सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी को कमजोर मत समझो, 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। जब तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पते हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। आज का पंचांग 17 दिसंबर 2020, दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, दोपहर 3:18 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 7:13 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:42 से 3:01 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। मकर राशि 17 दिसंबर 2020, दिन गुरुवार, आपके भाई बहन या पड़ोसी अभी किसी संकट से गुजर रहे हैं जिसके कारण आपकी यात्रा की योजनाएं जटिल या रद्द हो सकती है। इस समय का उपयोग शांति और आराम के लिए करें। बदलाव जरूरी है किंतु इस संकट में आपका परिवार आपका समर्थन करेगा। आज का दिन आशावादी से भरे हुए हैं। उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और इस समय आपके द्वारा दोनों ही है और इस समय आपके पास दोनों ही हैं। बस एक नई शुरुआत करें। विचार करने के लिए खूब समय ले, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में जुट जाएं। पिछले कुछ समय से आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझने के लिए जो प्रयास किए हैं उसकी वजह से आपके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना आपका विशेष गुण रहेगा। परिवार और समाज में आपकी छवि भी उत्तम बनेगी। आज आपके संयम की परीक्षा हो सकती है। आसपास के लोगों के व्यवहार की वजह से आपके मार्ग में कठिनाई आएगी। लोगों को बदलने की जिद ना रखें। परिवार के किसी न किसी व्यक्ति के बारे में चिंता आपको दिन भर सताती रहेगी। हर एक की खुशियों के लिए केवल आप ही जिम्मेदार नहीं है, यह ध्यान में रखना होगा। काम की जगह हो रहे झगड़ों से दूर ही रहें। सावधानियां, अगर प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित लोन लेने का प्लान बन रहा है तो आज उसे स्थगित रखना बेहतर रहेगा। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं है। आकस्मक के बहुत से खर्चे आने की संभावना है। इस समय फिजूल खर्चे पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी को प्रभावित करने के लिए आपका चेहरा या सुंदरता नहीं बल्कि आवाज ही काफी है। अपने गायन फैशन या कला का प्रयोग करके ही आप अपने क्रश को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। परिवार की समस्याओं को गंभीरता से सुलझाएं, सब कुछ सही होगा। आज आपको स्वयं में कुछ ऐसे सुधार लाने की सलाह दी जाती है जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। नए रिश्ते को शुरू करने और पुराने रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए अच्छा समय है। साथी को चॉकलेट और अपने प्यार की गर्म जोशी का उपहार दें और अपने प्रेम भरे जीवन का आनंद लें। बात करते हैं करियर की। इस समय सहयोगियों और पिता का सलाह आपको भाषण लग सकती है, लेकिन याद रखें जो आपसे प्यार करते हैं वे आपको दिल से राय देते हैं। आप अपने कीमती सामान को लेकर रक्षात्मक हैं, किंतु आपकी सच्ची संपत्ति आपकी कला है। सकारात्मक रहें और सही कनेक्शन ढूंढें। आज भगवान स्वयं आपके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाने के लिए आपको प्रसिद्धि और जीत दोनों का आशीर्वाद देंगे। कड़ी मेहनत
इस दिन का मंत्र है, लेकिन आपको अपनी सहकर्मियों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मार्केटिंग के क्षेत्र के लोगों को आज उन्नति के नए मार्ग मिलेंगे। बात करते हैं सेहत की। आज आपको शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना होगा। आप जिम जाएं, योग से अपने में काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। व्यायाम के अंत में आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। आपकी सेहत और विश्वास दोनों ही बेहतर होंगी। आज का उपाय, आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।